मोदी जी हमारे लिए भी तो चावल लेके आओ। ये क्या है, पहले कड़ी लेकर आ गए। अरे भाई मोदी जी, निश्चित कड़ी पिलाओगे क्या? बड़ी मुश्किल से तो कई सालों बाद तुम अपने घर पर भंडारा करा रहे हो, जिसमें भी कंजूसी दिखा रहे हो। राहुल मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हूं, मैं अकेला हूं परसने वाला और इतने सारे लोगों को जिमा रहा हूं। पहले मैंने आगे चावल और कड़ी दोनों परस दिया हूं, इसके बाद मैं पीछे आया हूं। तो मेरे पास कड़ी बची थी तो मैंने सोचा कि पहले तुमको कड़ी दे दूँ, इसके बाद मैं चावल दे दूँगा। दोनों को मिलाकर ही तो खाओगे, ऐसा तो नहीं कि तुम अलग अलग करके खाओगे। मैंने अखिलेश और योगी को बोला था कि परसने में मेरी मदद कर देना, मैं तुमको मजदूरी दे दूँगा, पर भुक्कड़ होन तो पहले ही बैठ गए जिमने के लिए। मोदी जी, तुमने हमको जिमाने के लिए बुलाया है कि बातों से ही पेट भर दोगे? पहले चावल तो दो, फिर कड़ी देना। कड़ी चावल के ऊपर अच्छी लगती है, नीचे नहीं। राहुल भैया सही बोल रहा है, पर तुमको मिर्ची लग रही है। मैंने भी तुमसे बोला था, जब मेरे घर पर भंडारा था मैंने भी बोला था तुमसे कि पहले जिमा दो, मैं भी तुमको मजदूरी दे दूंगा। लेकिन तुम तो पहले ही बैठ गए थे, पहली पंगत में सबसे आगे बैठे थे। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अरे योगी जी, मोदी जी को हरी लाल मिर्च क्यों खिला रहे हो? पर बात तो तुमने मुद्दे की बोली है, बोली है ऐसी बोली जैसे बंदूक की गोली है। केजरीवाल जी, तुम्हारे मुंह में भी जुबान आ गई, अभी तो चुपचाप बैठे थे, ये ठंडे बादल कब से बरसने लगे? अरे मोदी काका, पहले मेरी बात सुनो, तुम तो इन सबको रहने दो, पहले मेरे को यहाँ कड़ी दे दो। चावल में कड़ी कम पड़ रही है, चावल सूखे रह गए हैं। अरे वाह बेटा अखिलेश, तू तो अपने आप को बड़ा सयाना समझता है, ये सब लोग क्या बेवकूफ़ है? मैं पहले तुमको अगर कड़ी दे दूंगा तो ये लोग मेरे को अभी तो बात का जूता मार रहे, बाद में मेरे को लाश से मारेंगे। अभी तुम चुपचाप बैठो, पहले इनको दे दे दो, इसके बाद मैं तुमको दूंगा। और भाइयों बहनों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। भोलेनाथ सबके साथ।